हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू धर आपका अपने चैनल सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए, सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में आज मैं आपको एक फेल्ट की डॉल बनाना सिखाती हूँ। ये प्रिंसेस जैस्मिन डॉल है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसका एक की चेन बताऊँ प्रिंसेस की, तो मैंने सोचा कि पहले एक बड़ी बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका की चेन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इसका जो मटेरियल है, इसका जो कटिंग पैटर्न है, वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, www.renuscreativehub.com। ये फेल्ट की डॉल है। तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मेरी तरफ से नई वीडियो डले, सॉफ्ट टॉयज़ मेड इन इंडिया की तरफ से नई वीडियो डले, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप भी घर बैठे सॉफ्ट टॉयज़ और फेल्ट की टॉयज़ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसेस जैस्मिन बनाना। प्रिंसेस जैस्मिन के लिए हम मटेरियल देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कटिंग चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, www.renuscreativehub.com। वहाँ से फ्री है, डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकाल के उसकी कटिंग करके उसको यूज़ कीजिए। इसके बाद में आपको कपड़ा चाहिए। कपड़े में जो इसका मेरे को एक चाहिए फेल्ट, मैं यूज़ कर रही हूँ, सारे ही फेल्ट से बना रही हूँ, फेल्ट की डॉल बना रही हूँ। तो फेल्ट में सबसे पहले तो मेरे को स्किन कलर का फेल्ट चाहिए, जो इनकी इसकी पूरी बॉडी के लिए चाहिए। ये आपको कम से कम चाहिए कोई 21 21 सेंटीमीटर, ये चाहिए। उसके बाद जो इसकी ड्रेस है, उसके लिए मुझे स्काई ब्लू या फिरोजी कलर का फेल्ट चाहिए, ये भी मेरे को कोई चाहिए 12 सेंटीमीटर। और ब्लैक फेल्ट चाहिए, ये इसके हेयर्स के लिए, बालों के लिए, ये चाहिए कोई मेरे को, ये भी 20 सेंटीमीटर चाहिए। और बहुत थोड़ा सा येलो कलर का फेल्ट चाहिए, तो येलो हो, ऑरेंज हो, जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर लीजिए। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा चाहिए। इसके अलावा फाइबर वूल पॉली फाइबर फिल करने के लिए कोई 50 ग्राम के करीब, वैसे तो 50 ग्राम लगेगा नहीं, पर आप 40-50 ग्राम के करीब फाइबर वूल। सीजर, कैंची कट करने के लिए, पेन पेंसिल या टेलर चौक मार्किंग के लिए, सुई धागा सिलने के लिए, और इसके साथ में मैं ये कढ़ाई वाले थ्रेड भी यूज़ करूँगी, एक रेड कलर का और ब्लैक कलर का। और आईज़, अब आईज़ की जगह में आप काले वाले मोती अगर आपके पास हो आप वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास भी छोटी इस तरह की ब्लू आईज़ हैं, तो मैं यही लगा रही हूँ। अगर आपके पास मोती है ब्लैक कलर की या बटन्स है ब्लैक कलर के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले आप कपड़ा ले लीजिए, उसको हम उल्टा बिछाएंगे। ये देखिए, इसका सीधा साइड है, ये उल्टा साइड, तो मैं उल्टे साइड बिछा रही हूँ। उल्टा साइड कपड़ा बिछाने के बाद में आप कोई भी पीस लीजिए और उसकी मार्किंग शुरू कर दीजिए। देखिए, ये जो इसकी बॉडी का पीस है, ये स्किन कलर में आएगा, तो इसको इस तरह से रख के और इसके ऊपर आपने मार्किंग शुरू कर देनी है। कटिंग्स हो गई है, चलिए अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। देखिए, ये बॉडी पार्ट है, इसमें से आप यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पीस छोड़ेंगे और बाकी आप इस तरह से आपस में दो पार्ट्स जो है बॉडी के, उनको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जैसे ये दो पार्ट्स हैं, इनको आप सीधा सीधा आपस में मिलाइए इस तरह से। अब यहाँ पर आपने छोटा सा पार्ट छोड़ देना है, जहाँ से हम फिल करेंगे और उसको सीधा करेंगे, और बाकी आपने ये पूरा इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, इसको जोड़ देना है। तो उसके लिए जैसे सुई में धागा डालें, सुई में धागा डालने के बाद में आप यहाँ से ज्वाइन करना शुरू कीजिए। ये देखिए, इसको हमने लिया है यहाँ पर, और यहाँ से गांठ लगा के, और यहाँ से आप इसको सिलना शुरू कीजिए। हाथ थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा हाथ घुमा के और साथ साथ में स्टिच लीजिए।
अगर आपके पास मशीन है, आप मशीन चलाती हैं, तो मशीन से भी आप इसको सिल सकती हैं, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम। सिंपल जो सिलाई लगाते हैं मशीन को कपड़े में, आप इसको रखिए मशीन पे और इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक, पूरा नीचे तक सिल दीजिए। देखिए इसका फेस बनाने के लिए, ये फेस है, इसके दो पीस काटे हैं इस तरह से, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रख के, ये दो पीस है। अब जो फ्रंट वाला फेस है उसमें हम ये, जैसे कि आप देख रहे हैं आईज और नोज़ का निशान लगा हुआ है, इसको अब आप इस पे निशान लगाइए। अब आपने कैसे निशान लगाते हैं, देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई भी पिन लीजिए और जो माउथ का निशान है उस पे मैंने ये पिन से छोटे छोटे छेद कर दिए इस तरह से, देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर जो ये आईब्रोज है इनको भी मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं आईज के सेंटर में, और यहाँ पर भी आईब्रोज में और सेंटर में। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसके ऊपर रखिए। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मार्किंग करनी हो फेस और इसकी आईज की तो कैसे करते हैं। इसको इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके बाद आप कोई भी पेन या कुछ लीजिए और जो आपने मार्क छेद लगाए हैं उन छेदों पे आप इस तरह से मार्क कर दीजिए। ये देखिए ये यहाँ से बन गया है, ये देखिए यहाँ से ये इसका हल्का सा इसको कर देती हूँ, ये यहाँ पर आईज है और ये इसका माउथ बनाएंगे हम। देखिए अब रेड जो कढ़ाई वाला धागा लिया था मैंने वो सुई में डाला है और उसको यहाँ से अब आप थोड़ी सी जो मुंह है इसका इसको हम बनाएंगे, तो इस तरह से देखिए इसको हम कढ़ाई से बनाएंगे, छोटे छोटे स्टिचेस लीजिए। देखिए सिंपल भी आप ले सकती हैं, आपकी मर्जी, आप इस तरह से धागा घुमा के भी ले सकती हैं। इस तरह से हम इसका ये पूरा माउथ हम कढ़ाई करके बना लेते हैं। देखिए इसका मुंह बन गया है, अब इसकी आईज लगा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप छोटा छोटा छेद कर दीजिए। अगर आपके पास मोती है या बटन है तो आप वो लगा लीजिए। देखिए दोनों आईज लग गई हैं, अब इसकी यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके आईब्रोज बना दीजिए। सिंपल स्टिच से भी बना सकते हैं, धागा मैंने मोटा लिया है थोड़ा सा।
आईब्रोज के बाद में आप सीधा यहाँ पर थोड़ा सा आईज के पास निकालिए, थोड़ा इस तरह से, और यहाँ से साथ में ले लीजिए एक और स्टिच। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आपने दोनों आईज रेडी कर लेनी है। इसका फेस रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इन दोनों को आपस में जोड़िए, जो सीधा सीधा पार्ट है वो आपस में रखिए इस तरह से, और इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे से थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों को यहाँ पर आप सिल लीजिए। ये देखिए बॉडी के दोनों पीस ज्वाइन कर ली है, यहाँ से खुला छोड़ा है मैंने, इसको जोड़ने के बाद में मैंने इसको सीधा कर लिया है, यहाँ से खुला छोड़ा है। अब मैं यहाँ से इसकी फिलिंग करूँगी, फाइबर वुल डाल के इसको फिल कर दूंगी। इसी तरह से ये देखिए फेस भी रेडी है, फेस का भी दोनों पोर्शन आपस में जोड़ दिए हैं ये मैंने इस तरह से, और आईज नोज तो बना ही दी थी। अब इसको भी इस जगह से हम फिल करेंगे, फाइबर वूल से फिलिंग करेंगे। इनको करने के बाद में ये देखिए इसका ब्लाउज है, ये भी दो पीस काटने थे, तो आपको एक तो यहाँ से सिलना था, यहाँ से और इस जगह से, इन जगह से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ना, ये वाला पोर्शन ऊपर छोड़ना था, ये ओपन छोड़ना था, और इस बाजू का ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ना था। ये देखिए मैंने ये सिल लिया है। अब इसको यहाँ से हम इस तरह से सीधा करेंगे, और मैंने नीचे का हिस्सा भी ये थोड़ा सा बड़ा रखा था मैंने, तो इसको मैंने पीछे की तरफ फोल्ड भी कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है, इसका ब्लाउज रेडी है। मैंने नीचे भी देखिए फोल्ड कर दिया था थोड़ा सा अंदर की तरफ, और उसको स्टिच कर दिया था। आप बाजू में भी कर सकते हैं और गले में भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये इसकी पैंट है, पैंट में भी दो पीस काटने थे, तो दोनों पीसों को आपस में इधर से ज्वाइन करना है। नीचे का हिस्सा खुला छोड़ेंगे, यहाँ से ज्वाइन करके, यहाँ से, और ये वाला पोर्शन ज्वाइन करना था, नीचे का हिस्सा, और ये ऊपर का हिस्सा आपने खुला छोड़ना था, यहाँ से ज्वाइन करके सेंटर में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये जोड़ दिया है, मैंने मशीन से सिल लिया है, आप हाथ से भी सिल सकते हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो ये वाले पोर्शन है इसमें थोड़ा थोड़ा आपने, जहाँ पर आपने की स्टिच है सिला हुआ है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस हल्का सा कपड़े में इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप कट मारिए, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा इससे नहीं तो झोल पड़ जाता है, अगर आप कट मारेंगे तो वो झोल नहीं पड़ता है। इसी तरह से आपने इसमें भी कीजिएगा, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर भी पीछे की तरफ से आप इसको कट कीजिएगा, उसके बाद में आप इसको सीधा कर लीजिए। ये देखिए मैंने सीधा कर लिया, देखिए यहाँ पर कोई जोल नहीं पड़ा है, वो जो कट हमने लगाए छोटे छोटे उसकी वजह से कोई जोल नहीं पड़ा है। तो ये इस तरह से इसका पैंट भी रेडी है। अब इसी तरह से आपका ये फुट थे, इसके मतलब शूज थे, ये आपने चार पीसेस काटने थे, दो इस तरह से और दो इस तरह से, तो इनको आपने आपस में यहाँ से पूरा ये यू का जो शेप है, इस यू के शेप में दो दो पीसेस को आपस में आपने जोड़ना था। जैसे कि मैंने ये जोड़ दिया है, देखिए इसके बाद जोड़ने के बाद मैंने इसको इन दोनों को सीधा कर लिया है। तो ये हमारे इसके फुट, सिर्फ मैंने ये यू वाला पोर्शन जोड़ा है, अभी ये वाला पोर्शन नहीं जोड़ा है, खाली यू वाला पोर्शन जो है जोड़ के इसको सीधा कर दिया है। अब ये भी सब रेडी है। अब इसके बाद में हम इसके हेड पे, हेयर पे आते हैं, जो इसके बाल हैं, ये हमने देखिए ब्लैक में काटा था ये वाला, और ये इसका बैक का है, बैक हेयर है ये इस तरह से। अब मैंने क्या किया, जो ये फिरोजी कलर है इसमें थोड़ा सा ये जो यहाँ का पोर्शन है, इसके लिए मैंने कुछ ऐसे एक छोटा सा पीस इस तरह से कट कर लिया है। आप देखिए ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई कटिंग देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही इस तरह से थोड़ा सा हल्का इस तरह से करके और यहाँ पर काट लिया, इसको नाप लिया था मैंने कितना है, नापने के बाद में मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। और एक मैंने येलो में एक छोटा सा सर्कल मैंने काटा येलो कलर में, उसमें मैंने ऊपर से ये मोती लगा दिया, ये मैंने सिल दिया है इसमें। अब इसको मैं
इसको यहाँ पर सेंटर में आप सिल दीजिए, इस तरह से आप सेंटर में यहाँ पर ये मोती भी सिल दीजिए इसके साथ में। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने इधर इसके ऊपर, आप चिपका भी सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन या फेबिक ग्लू है, आप उससे आप इसको चिपका भी सकते हैं। मैं इसको सिल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर सिल दिया है। ये देखिए सिल लिया। अब इसको आपने यहाँ पर लगाना है, ये जो यहाँ का पोर्शन है ना इसके ऊपर लगाना है इस तरह से। अब देखिए जैसे ये वाला पोर्शन है ब्लैक, इसको यहाँ पर इस तरह से रखिए और आप इसको यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। अब आप चाहे इसको चिपका दीजिए, चाहे इसको हल्का हल्का यहाँ से सिल लीजिए इस तरह से। इसको लगाने के बाद में आपने इसके इसको जो ये बैक हेयर है देखिए इसको इसके ऊपर रखना है आपने इस तरह से, और यहाँ से आपने इस तरह से पूरा यहाँ तक सिल लेना है। ये वाला पोर्शन आपने खुला छोड़ना है। इसको चिपकाने के बाद में आप इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये उल्टे उल्टे से रखेंगे, जैसे इसका उल्टा पोर्शन और इसका उल्टा पोर्शन इस तरह से, और आप यहाँ से इस तरह से सिल लीजिए। ये वाला पोर्शन आप खुला छोड़िए। ये देखिए अगर आप सिलना चाहते हैं तो जो लोग सिलना चाहते हैं मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। इस तरह से आपने सिंगल थ्रेड डाला है मैंने, ये सिंगल धागा है, उसके बाद में आप इस तरह से इसको सिल दीजिए, एक नीचे से निकालिए और इसमें साथ में। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से आप ऊपर की साइड से नीचे की साइड से दोनों तरफ से सिल दीजिए। अगर आपके आपके पास चिपकाने वाला है कोई चीज़ ग्लू गन या कुछ तो आप इसको चिपका सकते हैं, वो भी ठीक रहता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लग गया है। अब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी उल्टा और यहाँ से आप सिल देंगे। ये देखिए ये मैंने इसको अब करने के बाद में सीधा कर दिया है, तो ये इसका हेयर रेडी है। अब आपने इन दोनों को थोड़ा थोड़ा फाइबर वूल लेके इन दोनों को अब आपने फिल करना है। जैसे ये है आप जो बॉडी है इसकी, इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लीजिए आप, और थोड़ा थोड़ा लेके आप इसको फिल करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई चीज़ हो जैसे पेंसिल या कुछ, उसमें उससे इस तरह से डाल के आप इसको फिल करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लीजिए क्योंकि ये बहुत पतला है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लीजिए और इस तरह से किसी भी चीज़ से, पेंसिल हो आपके पास कोई भी चीज़ हो इस तरह की, इसमें इसको इस तरह से अंदर अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी फाइबर लीजिए आप, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से आप इसको फिल करना शुरू कर दीजिए। तो इसकी बॉडी और इसका जो फेस है उसको आप फिल कर दीजिए। देखिए अब फिल कर दिया है। अब जो ये जो ओपन एरिया है इसको आपने बंद कर देना है, तो इसके लिए इस तरह से सिलेंगे हम। कॉटन को थोड़ा सा, फाइबर को थोड़ा सा अंदर डाल के और दोनों तरफ से इस तरह से आपने स्टिचेस लगा लेनी है।
इस तरह से खींच के इसको आपने बंद कर देना है, इसकी साइड वाली बॉडी की ओपनिंग को। देखिए अब ये इसकी ओपनिंग बंद हो गई है। देखिए अब इसको ये जो ड्रेस है वो पहना देते हैं। देखिए इसको ड्रेस पहना दी है, शूज़ भी मैंने पहना दिए हैं। अब इसको ये जो साइड है इनको आपने इसको शूज़ को आपने बंद कर देना है, इसके जो साइड है उसको इस तरह से सिल के। इस तरह से आपने सारे जो ये चारों साइड है वो सिल देने हैं। देखिए अब ये भी बंद हो गया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके फेस पे आते हैं, जो इसकी आईज़ है, आईज़ के पास हम क्या करते हैं, एक मैंने धागा लिया है, देखिए पीछे से गांठ लगा दी है, और यहाँ से मैं इसको डालूँगी और मैं इसके आईज़ के पास ये सुई निकालूँगी। ये देखिए इस तरह से निकाली है। अब इसको थोड़ा सा घुमा के और दूसरे साइड से इसको पीछे से फिर निकालूंगी। अगर आप बटन लगा रहे हैं तो आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं, साथ में ही बटन लगा सकते हैं। मैंने क्योंकि आईज़ लगाई हैं तो इसलिए मैंने पहले लगा दी थी इसको। फिर इस तरह से आप थोड़ा सा देखिए खींचेंगे, देखिए इस तरह से थोड़ा सा खींचेंगे और यहाँ पर आप इसको बंद कर देंगे। देखिए अब यही चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगी। इधर से डालिए, हाँ सुई तो यहाँ निकालिए, बिल्कुल जो इसका किनारा है। अब यहीं पर मैं इसको वापस डाल दूंगी। थोड़ा सा खींचेंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर बंद कर देंगे। देखिए यहाँ से कर दिया, अब दूसरे साइड से भी करेंगे। साथ में ही वापस डालूंगी उसको थोड़ा सा। खींच देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये रेडी हो गया है।
आईज और इधर हमने थोड़ा सा कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे इसकी बॉडी के साथ में। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको जगह बनाएंगे, और इसको आपने यहाँ अंदर फिक्स कर देना है, डाल देना है। अब इसको यहाँ आप सिल के बंद कर दीजिए। चारों तरफ से स्टिच लगाएंगे। देखिए अब ये अटैच हो गई है। अब इसका जो यहाँ पर एयर है इसमें मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ। देखिए सुई में धागा डाला मैंने और गांठ लगा के इसमें से मैं इसको निकालूँगी सुई को। ये जो इसकी एयर है वहाँ पर निकाल रही हूँ मैं। और मैंने एक फेल्ट का बहुत छोटा सा एक येलो कलर में देखिए ये सर्कल काटा हुआ है इस तरह से लिया मैंने। और उसके बाद एक छोटा सा मैंने मोती जैसे मैंने इसके उसमें लगाया था इसको लिया। और उसके बाद में मैं इसको वापस यहाँ से डालूँगी और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए ये दोनों ईयर्स में मैंने लगा दिए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा फाइबर लेके इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लगा देती हूँ। बहुत थोड़ा सा लेना है आपने, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। देखिए इस तरह से ऊपर लगा देती हूँ और उसके साथ में इसको यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। अब ये भी आप ग्लू गन से चिपका सकती हैं, नहीं तो इसमें भी आप इस तरह से इसका स्टिच लगा सकती हैं। इस तरह से लेके देखिए इस तरह से इसको साथ में सिल दीजिए। ब्लैक थ्रेड से सिलिएगा। ये देखिए ये यहाँ से पूरा मैंने इसको सिल दिया है, यहाँ तक पीछे पूरा अटैच कर दिया है। अब मैंने येलो कलर में फेल्ट में ये तीन इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं और एक मैंने इस तरह से ये देखिए पेंसिल से खुद ही इस तरह से कोई डिज़ाइन बना के इस तरह से जैसे ये नेकलेस जैसा है ऐसे बना दिया है। इसको कैंची से कट करके ये आप भी बना सकते हैं खुद से कोई भी डिज़ाइन का। अब ये हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। एक ही यहाँ पर लगेगा, इसको यहाँ पर चिपका देंगे और जो ये वाले हैं इनको यहाँ पर इस तरह से चिपका देते हैं तीनों। ये देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा
ग्लू लगा देते हैं। उसको यहाँ पर इस तरह से चिपका देंगे और इसी तरह से जो ये स्ट्रिप्स हैं इनको भी हम लगा देते हैं। और इसको यहाँ एक को चिपकाते हैं। एक को यहाँ चिपका देती हूँ मैं और एक और ले लेते हैं, उसको हम नीचे चिपका देते हैं। ये देखिए मैंने चिपका दिया है, सारा चिपक गया है। अब मेरी प्रिंसेस जो है जैस्मिन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आपको कैसी लगी, आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें और इस तरह से सॉफ्ट टॉयज़ घर बैठे बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।